बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। ये शामिल करती हैं आज की अहम खबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि हमने आज से सूबे में प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन फ्रॉड और तजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। माहौलियाती तहफ़ुज़ के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती आलूगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। अक़वामे आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असर अंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा, लिहाजा आवाम को करह अर्ज की हफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। वज़ीर पंजाब ने कहा कि प्लास्टिक इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मजरे असरात मरतब हो रहे हैं। नोटो प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूगी को कम करना माहौल दोस्त इकदाम का फरोग है। प्लास्टिक पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि होटलों, रेस्टोरानों और खाने पीने की जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त मुतबादल जैसे कार्टन बैग को इस्तेमाल में लाया जाए। प्लास्टिक आलूगी के मजरसात से आवाम को आगाह करने के लिए खसूसी आगाही मुहिम का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में कमी और काबिल तजदीद दवानी पर इंसार बढ़ाना होगा। माहौलियाती आलूगी में तेजी इजाफे की बड़ी वजह जंगलात की मुसलसल कटाई भी है। फितरती खूबसूरती को महफूज रखने के लिए मिलकर इकदाम करने की जरूरत है।